नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। हीट एंड टेम्परेचर बेसिक साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो, एएलपी सीबीटी 2 हो, आरआरबी जेई हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। न्यूमेरिकल भी जो होते हैं फार्मूला बेस्ड तो होते हैं, बट जहाँ पे क्या होते हैं फार्मूला यूज़ करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप लोग अभी जैसे बिजी होंगे, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया, तो मैंने भी कहा है कि अभी आप उसे रहने दो 20 दिन, एएलपी सीबीटी 2 पे फोकस करो यार। अगर सीबीटी 2 निकल जाता है आपका तो आप और भी रिलैक्स होकर जेई की तैयारी और अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्माधारी मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा ऊष्मा और टेम्परेचर, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है इसकी समझ लो। बहुत ही कोई साइंस रॉकेट वाली चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट। कोई भी चीज़ को जब आप गर्म करते हो तो कैसे उसको क्या करते हो, आप कुछ एनर्जी देते हो, इट मीन्स क्या करते हो, ऊष्मा देते हो। देखो होता क्या है, आप पानी को ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने क्या किया पानी को गैस के ऊपर चढ़ाया, तो चढ़ाने से ऊपर चढ़ाने से पहले पानी का क्या था, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंड, यानी अभी ठंड की मौसम है तो पानी क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है, ठंडी पानी होगी, तो आप उसका टेम्परेचर अभी देख रहे होंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का। लेकिन आप जैसे उसमें क्या करते हो, गैस के ऊपर चढ़ाते हो, उसे गर्म करते हो, तो वो क्या होता, पानी गर्म होने लगती है, उसमें मतलब क्या होती है कि कुछ एनर्जी उसे मिलने लगता है पानी को ऊष्मा के थ्रू, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। मतलब पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पहले क्या थे, रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे आपने उसे हीट किया तो पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे क्या कहते, वो मूव करने लगे। अब मूव करने के कारण क्या, वो एक दूसरे को क्या किए, कोलाइड करने लगे, एक दूसरे को टक्कर देने लगे, जिसके कारण क्या, वो वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है और जिसके कारण ही क्या होती है, पानी गर्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेनली सिंपल सा समझ लो, ये ऊष्मा है जो किसी चीज़ को क्या करती है, गर्म करती है। दूसरा, पहले पानी क्या था, ठंडा था, जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, और जब मैंने गर्म कर लिया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यही काम करता है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना हीट प्रेजेंट है उसको, उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को ही बताता है आपका कौन, तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के थ्रू हम लोग क्या पता करते हैं कि किसी बॉडी के अंदर कितनी हीट है, कितनी ऊष्मा है। बस सिंपल से अगर लैंग्वेज में हम लोग बात कर ले तो यही आपका हीट और टेम्परेचर होता है। अब मेन मुद्दे में हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। देखो आपको पता है हीट हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे पहले समझो एक चीज़ और कि कोई भी पदार्थ जो होती है उसकी तीन अवस्था होती है, एक तो होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। दो अवस्थाएं और भी होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें नहीं आना, सॉलिड लिक्विड गैस से अभी हम लोग समझेंगे सिंपल। देखो जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड फिर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन होकर, एवेपरेशन होकर, वाष्पीकरण होकर क्या हो जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, तो आप देखो क्या हो कि सॉलिड के फॉर्म में एक बर्फ़ को ले लेते हैं, ये बर्फ़ था, आपने इसे क्या किया, हीट किया। ठीक है, हीट दिया तो ये क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया, और फिर से कुछ ज़्यादा उसे हाई टेम्परेचर में उसे हीट किया तो वो क्या हुआ, भाप, यानी वाष्पीकरण, एवेपरेशन होके क्या हुआ, हुआ वेपर के फॉर्म में वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरह से क्या हुआ, आपका पदार्थ जो था उसकी क्या हुई, अवस्था यानी कि स्टेट में चेंजेस आपको देखने को मिली। ठीक है, जब आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया तो। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता इसका ये हमें क्या बताती है कि जब कोई आप किसी भी पदार्थ को, ये आपका एक बर्फ है हम लोग मान लेते हैं, इसके क्या किया आपने, हीट किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुई, इसकी टेम्परेचर अभी थी -4 डिग्री सेल्सियस, और गर्म जब आप इसे करोगे तो इसकी टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो गर्म करने के बाद इसको मैंने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ इस बर्फ़ की टेम्परेचर क्या हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस हो गई। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये बर्फ़ की अवस्था अभी भी नहीं बदली है, मतलब बर्फ़ अभी भी था, शुरू में भी बर्फ ही था और अभी भी क्या है, बर्फ ही है। तो इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और अच्छे से अभी समझोगे, मैंने लिखा है यहाँ पे, तापमान चेंज करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान चेंज करने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं ऊष्मा को दे करके वस्तु में ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, वस्तु में ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, वस्तु की टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है, तो क्या होता है, उसकी जो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हुई लेकिन उसकी क्या हुई, अवस्था में, उसकी स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, तो उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं।
जैसे सिंपल ये मैंने एक बर्फ लिया जिसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, -4 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने क्या किया, हीट सप्लाई किया, उष्मा मैंने प्रोवाइड किया, उष्मा प्रोवाइड मैंने किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन आप देख रहे होगे कि स्नो अभी तक पानी में नहीं कन्वर्ट हुआ, स्नो बर्फ अभी तक बर्फ ही है। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब वैसी दी हुई उष्मा जिसके बाद भी वो उष्मा देने के बाद भी उस पदार्थ की या फिर जो जिसकी जो स्टेट होती है वो स्टेट में परिवर्तन नहीं होती, बट उसकी अंदर जो टेम्परेचर होती है, जो उसके अंदर हीट होती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ बर्फ़ की टेम्परेचर -4 थी तो उसकी टेम्परेचर क्या हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस होगी। तो वैसी हीट को, इस हीट को ही हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट उष्मा धारिता। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि हीट सब बर्फ़ की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आई, परंतु तापमान क्या हुआ, चेंज हो गया। देखो बर्फ़ बर्फ ही रह गया हीट देने के बाद, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, देख रहे हो कि आप चेंजेस हो गए। तो वैसी उष्मा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को चेंज करते लेकिन उसकी अवस्था को चेंज ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट उष्मा धारिता। अब यहाँ से ये आपका एक तो कंसेप्ट हुआ विशिष्ट उष्मा धारिता, कि इसकी फॉर्मूला होती है Q=mS∆T। तो S जो होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो S=, आप क्या लिख सकते हो, Q/mΔT। ठीक है, तो ΔT क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तापमान में परिवर्तन, M क्या हो गया, मास हो गया, हीट क्या हो गया, उष्मा हो गया आपका, ठीक है, और S क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब विशिष्ट उष्मा धारिता। यूनिट आप इसका सिंपल से निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का S=Q/mΔT। तो क्यों क्या हो गया, हीट हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, जूल, एम क्या हो गया, पर केजी, और टेम्परेचर क्या लिख सकते हो, केल्विन। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हो गया SI यूनिट, ये यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, CGS यूनिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये आपका CGS में यूनिट होता है आपका, किसका, स्पेसिफिक हीट का। नेक्स्ट कुछ वैल्यू जो है आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गया है, CBT 1 में भी और कई एग्जामिनेशन में पूछे भी। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको याद रखना है कितना, 1 कैलोरी, अगर CGS की बात कर लेते तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, बट आपको जूल में भी इसकी वैल्यू याद रखनी होगी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। ब्रास यानी पीतल की अगर हम लोग बात कर ले तो कितनी होती है, 0.09 होती है। लेड यानी सीसा की कहले बात तो 0.03 होती है। सैंड यानी 0.20, बर्फ यानी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल में अगर हम लोग कह लें तो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, एक चीज़ ये भी आपको याद रखना, 1 कैलोरी = क्या होता है, 4.18 जूल और 4.2 जूल भी होता। तो ये पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हुए हैं, इसलिए मैंने सारा डाटा यहाँ पे लिख दिया। और ये डाटा का कुछ मीनिंग भी है, इसको समझते हैं। एक्चुअली देखो, दो चीज़ मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक तो वाटर का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे मैं लेता हूँ, S=1, ठीक है, ये क्या है, 1, यानी ये क्या आपका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ, यानी S से हम लोग डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट को, यानी विशिष्ट उष्मा धारिता को। और बालू हम लोग लेते हैं, बालू आपका है सैंड की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.20। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये डाटा सही है। क्योंकि आपने कई बार क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे देखा हो कि रेगिस्तान में दिन में अधिक गर्मी लगती है लेकिन रात में ठंडी लगती है, समुद्र के किनारे आपको क्या होते हैं, पानी के सामने जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हो दिन में तो ठंडी लगते हैं लेकिन रात में आपको फिर वहाँ पे काफ़ी गर्मी लगने लगती है, उसका पीछे कारण क्या है, ये कारण ही होता है विशिष्ट उष्मा धारिता। समझते इसे क्या होता है, देखो इसकी विशिष्ट उष्मा धारिता कितनी है, 1, हम इसे CGS यूनिट में लेते हैं, इसको अभी नहीं लेते हैं। और अगर हम लोग बालू की बात कर लेते तो 0.20 होती है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 और 0.20, मतलब क्या है कि वाटर को इतनी उष्मा चाहिए, क्या स्पेसिफिक कितना, 1 कैलोरी, इतनी उष्मा उसे चाहिए, अभी क्या होनी चाहिए उसके, चाहिए क्या, गर्म होने के लिए। लेकिन बालू को कितनी चाहिए, 0.20 में ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, मतलब इसकी बालू तो रहेगी लेकिन उसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, मतलब ये कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है और इसकी कितनी है, 0.20, यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक है कंपैरिजन टू बालू यानी कि सैंड। इस मतलब ये हुआ कि वाटर को बहुत अधिक, यानी कि वाटर को बहुत अमाउंट ऑफ बहुत अधिक अमाउंट में क्या चाहिए, हीट, तब उसकी टेम्परेचर
क्या होगी, उसके तापमान में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। कंपैरिजन टू बालू, अगर सैंड की बात कर ले तो उसे कम टेम्परेचर में वो क्या करेगी, उसके तापमान चेंज हो जाएगी। इसे और अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या होता है, दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंड लगती है। इसके पीछे रीज़न ही यही होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण। ऑप्शन भी आपको मिलेगा विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो आपको टिक करके आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो बालू होती है रेगिस्तान में क्या होता है, बालू होता है। अब आपको मैंने भी बताया उसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू कितनी होती है, 0.20 होती है। मतलब बालू की जो स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ही कम होती है, 0.20, मतलब इतना ही अमाउंट अगर उसे मिल जाएगा तो इस बालू की क्या होगी, ये मान लेते बालू है, इसे 0.20 अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी टेम्परेचर तुरंत चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना कम स्पेसिफिक हीट होगा उसके अंदर उतनी अधिक क्षमता होगी उसकी टेम्परेचर को चेंज करने में। तो इसलिए क्या होता है कि दिन में जैसे ही बालू, ये बालू है आपका, जैसे ही दिन में सूर्य की किरण पड़ती है तो तुरंत ही क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, 0.20 एनर्जी से जैसे ही मिलती है तो ये गर्म हो जाती है, और शाम होते होते जैसे सूर्य दूर ढलता जाता है तो उससे क्या होती है, हीट भी तुरंत 0.20 एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो वैसे ही बालू क्या होता है, ठंड भी हो जाता है और रात में हमें ठंडी फील भी होती है। तो यही रीज़न मैंने यहाँ लिखा है कि बालू की स्पेसिफिक हीट बहुत ही कम होती है, मतलब बालू की टेम्परेचर चेंज बहुत जल्द हो जाएगी, मतलब क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, सो बालू को 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इतनी एनर्जी चाहिए एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने में। इसलिए दिन में अधिक गर्मी लगती है और नाइट में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड भी हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इसके अंदर कम होती है, वो तुरंत बाहर आ जाएगी उसके अंदर से एनर्जी, इसलिए नाइट में हमें ठंड भी लगती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, समुद्र के किनारे दिन में ठंडा और रात में भी गर्म लगने का कारण यही है आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता, क्योंकि देखो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता की वैल्यू मैंने कितना बताया आपको, 1 होता है। ठीक है, अब देखो पानी, आप समुद्र के किनारे खड़े हो, अब इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तब पानी की टेम्परेचर कितनी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। अगर वही आप देख रहे हो बालू को कितना चाहिए, 0.20 ही हीट चाहिए और वो क्या होगी, तुरंत गर्म हो जाएगी। तो पानी जैसे सूर्य की किरण, आप समुद्र के पास खड़े हो, सूर्य की किरण पड़ी, आप वहाँ खड़े हो तो सूर्य की किरण पानी में पड़ रही है, लेकिन उसको इतना अमाउंट यानी कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इतना अमाउंट हीट चाहेगा, तभी पानी क्या करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर राइज करेगी। तो दोपहर होते होते पानी क्या होता है, गर्म होता है, तब तक आपको 10-11 बजे तक आपको बहुत ही अच्छा सुहावना समुद्र के किनारे अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन 2-3 बजने के बाद क्या होता है, पानी पूरी गर्म हो जाती है। उसी तरह शाम फिर सूरज ढलता है तो क्या होता है, अब पानी की जो स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी, मतलब इतना अमाउंट एनर्जी जब तक पानी से रिलीज नहीं होगा तब तक क्या होगा, पानी की टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगी। इसलिए रात होते होते 8-9 बजे तक हमें, अगर समुद्र के किनारे हम लोग खड़े रहते या फिर तालाब के आसपास भी हम लोग खड़े रहते तो हमें गर्मी का एहसास होता है। तो ये जो रीज़न होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, यानी कि एस की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, यानी लेस है, हम लोग लिख लेते हैं, तो उसमें ऊष्मीय चालकता अधिक होगी या कम होगी। मतलब उसमें जो होगी ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा का प्रवाह अधिक होगा या कम होगा। तो मैंने अभी कहा, देखिए ये कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनता है अगर आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का डेफिनेशन क्लियर है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपकी कम है, इट मीन्स क्या है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट आपके बॉडी में पड़ेगी तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर तुरंत इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपके अंदर हीट का प्रभाव बहुत अधिक, तुरंत बहुत जल्दी प्रवाह करने लगेगी। तो यानी क्या होगा आपकी उसमें क्या होगा, उसमें चालकता अधिक होगी या कम होगी, तो अधिक ही होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी एस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, जैसे पानी ले लेते हैं, 1 है, तो उसमें चालकता अधिक होगी तो उसको उसमें चालकता की, सॉरी पानी की जो अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको, इसको क्या है स्पेसिफिक हीट, इसकी जो वैल्यू है बहुत ही अधिक है, तो इसे बहुत अधिक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, तभी ये क्या करेगी, अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगी, यानी तभी इसमें क्या होगा, हीट का प्रवाह करेगा। तो इसमें क्या होगा, हीट का प्रवाह बहुत कम होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट अधिक है, तो वही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम प्रवाह करेगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज़्यादा है तो उसमें चालकता अधिक होगी या कम होगी, तो कम होगी। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर ही। क्वेश्चन दिया गया है कि 500 ग्राम जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी।
अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, ये प्लेटफॉर्म की क्वेश्चन है बुक के, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि 500 ग्राम का कोई जल है, मतलब जल का मास दिया हुआ था 500 ग्राम है, जिसकी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, और उसमें बताया गया था कि उसकी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, हीट दे करके 60 डिग्री सेल्सियस उस पानी की कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो आप कैसे समझो कि हमें ये फार्मूला ही यूज़ करना है या फिर गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का यूज़ करना है। अभी आप लेटेंट हीट पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो आप देखो कैसे समझोगे। यहाँ आपको क्या बताया गया, जल का तापमान, ठीक है, 500 ग्राम जल का तापमान को क्या किया आपने, उसका तापमान आपको दिया हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस, से बढ़कर क्या हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, कैसे, तो आपने उसको क्या की होगी, क्या किए होंगे, ऊष्मा दिए होंगे। तो देखो जल का ही तापमान आपने बढ़ाया, इट मीन्स क्या, यहाँ भी जल है तो यहाँ भी जल है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, जल गैस में नहीं बदला है ना कि बर्फ़ जल में बदला। इट मीन्स यहाँ पे अभी मैंने आपको विशिष्ट ऊष्माधारिता कंसेप्ट बताया था कि वैसी ऊष्मा जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किए बिना उसके तापमान को में क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। तो देखो आप देख रहे होंगे कि उसकी तापमान यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन वस्तु क्या है, जल ही है, और यहाँ भी वस्तु क्या है आपकी, जल है, तो ये क्या हो गया आपकी, कौन सी हीट होगी, तो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी। तो क्यू इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी होता है, मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे सिंपल सा। तो अब देखो यहाँ पे मास की वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है तो मैंने बता दी है आपको, और डेल्टा टी आप सिंपली यहाँ से निकाल लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 60 माइनस 40 करोगे तो 20, यहाँ पे 20 का वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे जो आंसर आया है कैलोरी के ऊपर, तो आपको ऑप्शन देखना हो कैलोरी में है या फिर किलो कैलोरी में दिया हुआ, तो अगर किलो कैलोरी में आएगा तो 1000 से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा न्यूमरिकल और एग्जामिनेशन में पेट क्वेश्चन हीट ऊष्मा से आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब समझते हैं लेटेंट हीट के बारे, यानी गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा समझते हैं। देखो ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक आपका क्या है, ये आपका पानी है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वाटर है, और ये वाटर को मैंने क्या किया, हीट दिया, ठीक है, इस वाटर को मैंने क्या किया, हीट दिया, हीट तो मैंने इसे दिया है, तो अब आप बोलोगे कि इसमें मैंने हीट दिया है तो इसकी टेम्परेचर अभी अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसे हीट देने के बाद इसकी टेम्परेचर कितनी हो जानी चाहिए, 40 डिग्री, यानी कि सिंपल से है कि कुछ अधिक होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस अधिक होनी चाहिए। लेकिन लेटेंट हीट क्या होता है, ये हमें क्या बताता है, या फिर उस गुप्त ऊष्मा होती क्या है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हीट किया, ठीक है, इससे मैंने जैसे वाटर को हीट किया, तो ये वाटर क्या हुआ आपका, पानी पानी जो था आपका, ये क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वेपराइजेशन हो गया पानी का, ठीक है, पानी क्या हो गया, पानी की आप क्या देख रहे हो, अवस्था में चेंजेस देख रहे हो, लेकिन इसकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तब भी थी, 20 डिग्री नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तब भी थी, और अभी भी आप देख रहे होगे इसकी टेम्परेचर कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस ही है। मतलब क्या, फिर से समझते हैं, यहाँ पे कोई आपका कोई पानी था जिसकी टेम्परेचर कितनी थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, और जैसे ही आपने इसे हीट दिया तो ये पानी क्या हुआ, पानी ना रह करके अब ये क्या बन गया आपका, वेपर बन गया, यानी कि इसका भाप इससे यहाँ से निकलने लगा, मतलब वाष्पीकरण इसका होने लगा, वेपराइजेशन होने लगा, लेकिन इसका टेम्परेचर आप देख रहे होंगे क्या, 100 डिग्री सेल्सियस अभी भी सोख कर रहा है। तो वैसी उष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, पानी से वेपर में बदल दिया, ठीक है, पर उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आती, उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देती है, वैसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख कर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना ही उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्यू इक्वल्स टू एम एल, ये फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल इक्वल्स टू क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, और इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात कर ले तो जूल पर केजी होता है, और सीजीएस में यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम होता है। इसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं अभी, जैसे कि देखो यहाँ मैंने एग्जांपल लिख दिया पूरी, वाटर को गर्म कर रहे थे, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल में बताता हूँ, ये आपका कोई कंटेनर है, यहाँ पर आपका पानी रखा हुआ, ठीक है, ये पानी वॉल्यूम जो इसका था 10 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम था। अब इसे आपने क्या क्या हीट किया, आपने क्या क्या हीट किया, आप इसको इतना हीट दिया कि इसकी टेम्परेचर कहाँ पहुँच गई, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई। तो अब इसमें आप देख रहे हो क्या कि इसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, पानी का क्या हुआ, वेपराइजेशन स्टार्ट होने लगा, और इसका वॉल्यूम क्या हुआ, अब देखो पानी वेपर में बदलने लगा तो इसकी वॉल्यूम भी घट गई, तो 5
मीटर क्यों हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्या 10 से क्या हो गया 5 मीटर क्यों हो गया, लेकिन आप तब भी देख रहे हो क्या कि पानी का जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस शो ही कर रहा, तब भी आपका जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा, तो यही आपका लेटेंट हीट होता है। वैसी ऊष्मा, समझना, वैसी ऊष्मा जो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर देता है उसकी तापमान को नियत रख करके, मतलब उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख कर उसकी स्टेट में चेंजेस कर देता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, वैसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब देखो आप यहाँ पे जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पानी की तापमान पहुँची, वैसे ये क्या हुआ, वेपराइजेशन इसका होना स्टार्ट हो गया, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो गया। तो पानी क्या हुआ आपका, पानी की अवस्था क्या हुआ, बदल गई, यानी लिक्विड से क्या यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो गई। तो देखो ये क्या हुआ, वैसी ऊष्मा यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हुआ ये पानी, तो आप देखें क्या कि टेम्परेचर तो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इट मीन्स वैसी यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो अवस्था में चेंज जो हुआ, लिक्विड से क्या चेंज हो गया, गैस में, तो लिक्विड से गैस में चेंज करने चेंज जो चेंजेस आ रहे थे उसमें जो आपकी जो ऊष्मा जा रही थी यहाँ पे क्या हुई थी, ऊष्मा क्या हुई, लुप्त हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है गुप्त ऊष्मा, इसलिए रखा गया है, ठीक है। मतलब क्या हुई, यहाँ पे ऊष्मा छुप जाती है, क्योंकि आप देखो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या देख रहे हो, कांस्टेंट देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये ऊष्मा छुप गई है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सिंपल सी यहाँ पे वही चीज़ मैंने एग्जांपल भी दिया है, वाटर को गर्म कर रहे थे और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और पानी का वेपराइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट उसके बाद भी हीट दिए जा रहे थे, पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था और वॉल्यूम का वाटर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो 5 लीटर था, 5 लीटर से क्या हो गया, 1 लीटर आ गया, पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट ही रहा, वो नहीं बढ़ रहा था, यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। ये एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी हमने, वो लेटेंट, वो क्या हुई, लेटेंट हीट हो गया। मतलब पानी को जो जब आप क्या कर रहे थे, गर्म करते ही जा रहे थे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रही थी, तो वो जो आप एनर्जी दे रहे थे वो क्या हुई थी आपकी, लेटेंट हो रही थी, मतलब गुप्त हो रही थी। इसका मतलब जब हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे, ठीक है, जो हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे, तो पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रही थी, यानी लिक्विड से गैस में। जब किसी की अवस्था बदलती है, ठीक है, जब किसी की अवस्था बदलती है, मतलब स्टेट चेंज होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे वो क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में हेल्प कर रहा था। पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब आप दे रहे, तो टेम्परेचर इंक्रीज ना होकर के क्या कर, इसके बॉन्डिंग को तोड़ रहे थे और उसके स्टेट में, उसके अवस्था में चेंज कर रहे थे, हाइड्रोजन से गैस गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वैसे उसमें हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। एक चीज़ और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, और फार्मूला ये आपका यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका यूनिट आपको याद रखना है जूल पर केजी होता है, सिंपल सी आप निकाल लोगे। लेटेंट हीट एल होता है, लेटेंट एल इक्वल टू क्या हो गया, क्यू पर एम, यानी कि जूल पर केजी हो गया, या सीजीएस में बात करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या होता, यहाँ तो आपको बता दिया जाता होगा बहुत जगह आपको कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब समझना, लेटेंट हीट आपको समझ गया, समझ में आ गया क्या क्या, ये पानी को गैस में बदल दिया या फिर लिक्विड को सॉलिड में, यानी कि किसी के स्टेट में चेंजेस कर देगा, अवस्था में परिवर्तन कर देगा, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। लेकिन यहाँ लिखा वेपराइजेशन, मतलब पानी को वेपर में बदलने में कितना अमाउंट आपको एनर्जी चाहिए होता, 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब सोच सकते हो 540 कैलोरी पर ग्राम। इसलिए आप देखते होंगे गर्म पानी अगर आपके हाथ में गिरता है, या फिर अगर आपको भाप, किसी गर्म पानी की भाप लग जाती है, तो आपको सबसे अधिक जलन किस में होती है, भाप से होती है, क्योंकि उसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर गुप्त हुए रहता है, 540 कैलोरी ग्राम। क्योंकि पानी क्या होता है, स्टेट चेंज कर लेता है, वेपर में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है, और उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है पानी से भाप में बदलने में, 540 कैलोरी पर ग्राम, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी भाप के अंदर होता है, इसलिए आपको बहुत अधिक जलन गर्म पानी के कंपेरिजन आपसे वेपर से होता है। तो इसका मतलब ये था। दूसरा यहाँ पे बताया गया लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन 80 कैलोरी ग्राम, मतलब विसरण बर्फ, जैसे कि आपका जो बर्फ है, बर्फ क्या होता है, बर्फ को पानी में बनने के लिए, ठीक है,
बर्फ जैसे आपका क्या होता है पिघल करके पानी बन जाता है, तो उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? तो 80 कैलोरी पर ग्राम, बहुत कम एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। इतना अमाउंट में पानी क्या होता है, बर्फ क्या होता है, पानी में बदल जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे बर्फ, तो कुछ देर बाद आपको ये क्या होता है, पानी में बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उसे जब भी मिल जाएगा, तो ये बर्फ क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यही है, लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर बर्फ़ को पानी में पिघलने, या फिर उसकी एक टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट का भी कंसेप्ट। एक चीज़ और देख लो, किस तरह से कॉम्बिनेशन हम देखेंगे अब विशिष्ट ऊष्माधारिता का और लेटेंट हीट का। अब मैंने यहाँ पे बर्फ़ लिया है, ठीक है, बर्फ़ की टेम्परेचर दी हुई है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ़ की टेम्परेचर कितनी है यहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे बर्फ़ है आपका 0 डिग्री सेल्सियस में भी बर्फ़ ही होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हुआ, आपका इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन बर्फ़ क्या हुआ, पानी में बदल गया। और इसकी टेम्परेचर कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पानी है, लेकिन उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गई। और उसके बाद पानी से क्या हुआ, ये वाष्प बन गया, यानी टेम्परेचर कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये तो बर्फ़ है और यहाँ भी बर्फ़ है, देख रहे हैं, मतलब आप क्या देख रहे हो, बर्फ़ बर्फ़ है, लेकिन टेम्परेचर -10 से 0 आ गया। मतलब यहाँ कौन सा हीट यूज़ हो रहा है बताओ। मैंने बताया था विशिष्ट ऊष्माधारिता वैसी ऊष्मा जो किसी की अवस्था में तो परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उसकी टेम्परेचर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी हीट होगी, तो Q=mSΔT होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो बर्फ़ से पानी बन गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ कौन सी हीट यूज़ हो रही है, तो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा यूज़ हो रही है। उसी तरह पानी से आप देख रहे हो पानी ही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो, यानी कि इस विशिष्ट ऊष्माधारिता यूज़ हो रही है, ठीक है। Q=mSΔT यूज़ हो रही है। पानी से फिर वाष्पीकरण हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, अवस्था चेंज हो गई, यानी कि Q=mL यानी लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ से आपके बन सकता है। क्या क्या हुआ रहेगा आपको, देखिए इस तरह से आपको बर्फ़ दिया हुआ रहेगा, बर्फ़ के आपको क्या हुआ रहेगा, मास दे दिया। देखो मैं आपको बस एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बर्फ़ का क्या हुआ, मास दे दिया हुआ रहेगा 5 kg, और उसके बाद दिया हुआ रहेगा क्या कि बर्फ़ जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है पानी में, ठीक है। बर्फ़ जो होता है कन्वर्ट हो जाता है पानी में, और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, या कुछ भी टेम्परेचर दे दिया रहेगा। तो अब देखो बर्फ़ 5 kg यहाँ पे, तो पानी भी कितना होगा, 5 kg ही होगा, ठीक है ना, 5 kg ही होगा ना। अच्छा इस तरह हम एक एग्जांपल से अभी समझ लेंगे। सबसे पहले एक और चीज़ देख लो, चेंज इन स्टेट समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एवपोरेशन या वेपराइजेशन या फिर वाष्पीकरण भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी है, समझना, कोई बर्फ़ है, बर्फ़ जब आपका पानी बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड का जब वाष्पीकरण हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या एवपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन जब लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या हिमांक कहते हैं। जैसे कि फ्रीज में आप रख देते हो, तो उससे पानी को क्या होता है, सॉलिड बर्फ़ बन जाता है। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन हिंदी में कहते हैं। और उसी तरह से अगर गैस सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ये एग्जांपल है आपका, जैसे कि वही अभी मैं आपको समझा रहा था एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, बट ये इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको और बनाने, तो प्लेटफॉर्म सेट बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से बना लोगे बुक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, मतलब पूछा गया है कि सिंपल से कि -20 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोई बर्फ है जिसकी मास 5 ग्राम है, और उसकी जो तापमान कितनी हो जानी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में उसके वाष्प, उसके बाद क्या हुआ, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जा रहा है, आपका वाष्प में बदल जा रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, -20 डिग्री सेल्सियस पे मास दिया हुआ है, और इसके बाद ये कितने हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने क्या हो जाती है, वाष्प में परिवर्तन, इसको वाष्प में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो देखो 5 ग्राम का मैंने क्या क्या बर्फ़ को ले लिया है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, तो इजीली आप बना लोगे। देखो बर्फ़ से मैंने क्या किया, बर्फ़ से मैंने इसे क्या किया, माइनस जो भी टेम्परेचर, तो उसको मैंने पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, फिर बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ़ क्या होगा, उसका टेम्परेचर हीट देंगे, तो 0 डिग्री बाद टेम्परेचर इनक्रीज, तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। लेकिन टेम्परेचर उस समय भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना टेम्परेचर लूज़ मतलब कि कम होता, तभी जाके पानी बर्फ़ बनता, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, बर्फ़ पानी में बदला, उसके बाद पानी पानी रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा,
पानी फिर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे सेम फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे भी बर्फ़ का यहाँ पे आपको दिया हुआ टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका -20 डिग्री सेल्सियस से ये कैसे क्या क्या चीज़ में आएगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में तो स्टेट में इसकी अवस्था में तो चेंज नहीं होगा, ये बर्फ़ बर्फ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम हीट देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर क्या चीज़ रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी, लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, बर्फ़ से क्या बदलेगी, पानी, ठीक है। बर्फ़ से पानी बनेगी, उसके बाद हम लोग इसे हीट देंगे तो पानी क्या चीज़ में, पानी में ही रहेगा, लेकिन इसकी टेम्परेचर चेंज होगी। उसके बाद अगर हम हीट देंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा। तो देखो ये बस मैंने यहाँ पे हीट दिया Q1 Q2 Q3 Q4, तो यहाँ पे बस आपको जो है Q=mS∆T यूज़ करना है। Q=mL Q=mS∆T Q=mL ये मैंने बता दिया किस तरह से आपको यूज़ होगा। यहाँ पे बर्फ़ बर्फ ही है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो, यानी स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता यूज़ होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q=mS∆T। बर्फ़ जो है पानी में चेंज हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट Q=mL। तो बस यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करो, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बर्फ़ की, 0.5 होती है। डेल्टा टी का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो तो 20 डिग्री सेल्सियस आया। तो Q1 यहाँ पे आप निकाल लो, Q2 निकाल लो, Q3 Q4 चारों को ऐड कर दो, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए किसी बर्फ़ को उस वाष्प में बदलने के लिए, इतना 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और बन जाता है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो ये हमें क्या बोलता है, रेट ऑफ कूलिंग, ये मीनिंग आपको बस समझ में आ जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, बिना सॉल्व किए हुए आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। देखो इसका बस आपको मीनिंग समझना होगा, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब क्या, देखो ठंडे होने की दर, मतलब ठंडा होने की दर, ठीक है, ठंडा होने की दर यानी कि रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होती है किसकी, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी, यानी कि क्या हो गया आपकी, फाइनल माइनस इनिशियल की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी की यहाँ बात हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब क्या, देखो कोई ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब वातावरण का टेम्परेचर T2 है। इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस, जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा और जितना कम होगा उतना ही उसे टाइम लगेगा ठंड होने में। इसका मतलब यही है, एक और एग्जांपल देता हूँ इसे समझने की कोशिश करना। पानी का बोतल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसे क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस है इसका अभी, ठीक है, आपने क्या किया इसे फ्रिज के अंदर रख दिया, ठीक है, इसे क्या किया आपने फ्रिज के अंदर रख देते हो आप, ठीक है। तो जैसे आप इसे फ्रिज के अंदर रखते हो तो होता क्या है, तो देखो होता क्या है कि अभी आपका जो ये एक बोतल है आपका, ठीक है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और एक और बोतल है जिसका टेम्परेचर आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, सेकेंड बोतल ले रही है फर्स्ट बोतल, ये आपका जो है फ्रिज है, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, हम लोग मान के चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठंडा होता है काफ़ी। हम बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चीज़ें ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडे होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टेम्परेचर डिफरेंस होती है उसके, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जब आप इसको फ्रिज के अंदर रखोगे, ठीक है, और इसको जब फ्रिज के अंदर रखोगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सबसे जल्दी ठंडा होगा या फिर कौन सबसे जल्दी अधिक गर्म होगा। आपको टाइम भी दे दिया हुआ रहेगा, न्यूमेरिकल बेसिस T=5 मिनट लगता है, तो सिंपल आप समझो क्या मतलब। तो हम लोग सबसे पहले इस बोतल को लेते हैं, इसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसका टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बड़ा सा छोटा घटाते हैं, तो 25 माइनस 0 यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है 25, और इस बोतल को यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 5 माइनस 0 यानी यहाँ कितना था 5। तो आप देख लोगे 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस क्या आ रहा है, टेम्परेचर चेंज। और मैंने फार्मूला आपको बताया था क्या डेफिनेशन, कि ठंडा होने की दर उसके सबसे अधिक होगी जिसकी टेम्परेचर डिफरेंस सबसे अधिक होगी, यानी कि इसकी टेम्परेचर डिफरेंस सबसे अधिक है, यानी कि ये सब बोतल सबसे अधिक सबसे जल्दी ठंडी होगी कंपेरिजन टू दिस बोतल, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, आप सोच रहे होंगे कि सोचते होंगे कि जल्द ठंडे बोतल को या फिर ठंडे पानी को अगर हम लोग फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वो और जल्दी ठंडी होगी, नहीं, देख लो ये प्रूव करता है कि वो उसे और अधिक टाइम लगेगा ठंडा होने में कंपैरिजन के अगर कोई गर्म बोतल को आप रखते हो तो। तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, देखो
एक कोई ऑब्जेक्ट है आपका जिसका टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रिज के अंदर टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि कौन, जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट आपका 90 डिग्री सेल्सियस है उसको क्या होना है कि 50 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट समय लगता है, ठीक है, 5 मिनट समय लगता है। तो आप बताइए 80 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, 5 मिनट से कम लगेगा, या फिर कुछ भी एक ऑप्शन और दे दिया हुआ रहेगा। तो इसे आपको कैलकुलेट नहीं करना हो, बस आपको डेफिनेशन यूज़ करनी है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोई बोतल है 90 डिग्री सेल्सियस और कोई बोतल है 80 डिग्री सेल्सियस, उसे लाना कितना है 50 डिग्री सेल्सियस में होने में, ठीक है, यानी कि 90 से 50 होना, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 40, और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जब निकालोगे तो 30। तो टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो इसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा है, यानी ये सबसे जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी, यानी कि इसकी टेम्परेचर कम होगी, 90 से 50 सबसे जल्दी आएगी। इसको 5 मिनट लग रहा आने में, टाइम दे दिया हुआ आपको, तो इसको कितना, इसका टेम्परेचर डिफरेंस 30 है, यानी कि इससे तो ज़्यादा ही लगेगा, इतना तो आपको क्लियर हो गया इसका टेम्परेचर कम होने में, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इसकी 30 और इसकी टेम्परेचर डिफरेंस कितनी 40 है, तो 5 मिनट से क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई कि जो ऑब्जेक्ट जितना गर्म है वो उतना जल्दी ठंडा होगा, और कोई ऑब्जेक्ट जितना ठंडा है उसे ठंडा होने में उतना ही अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं सराउंडिंग से जहाँ पे भी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिज को ना लेकर के और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सिंपल सा कोई बोतल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे सिंपल है 90 डिग्री सेल्सियस, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और सराउंडिंग टेम्परेचर जो वातावरण का टेम्परेचर हम ले लेते हैं, मान कर चलते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फिर हम कर लेते हैं कि इसको 90 से 50 आने में और 80 को 50 आने में कितना टाइम लगेगा, 90 से 50 आने में 5 मिनट समय लगता है, तो 80 से 50 आने में इसे कितना, 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा या 5 मिनट से कम लगेगा। इट मीन्स 80 से 50 आ रहा है, इसके मतलब क्या होगा, इसके टेम्परेचर को यहाँ पर कम हो रहा है, और यहाँ पर भी 90 से 50 आ रहा है तो कम हो रहा है, यानी कि हीट उससे बाहर आ रही होगी, ठीक है, तो यानी क्या, हीट बाहर आ रही हो तो बॉडी क्या हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी। तो रेट ऑफ़ कूलिंग अभी हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ़ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इट सराउंडिंग, तो 90 और 80, यहाँ आपको 50 आ रहा, तो टेम्परेचर डिफरेंस इसके बीच कितना है 40 है, और इसके बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितनी है तो 30 है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इससे है, तो यानी इसे सबसे, ये क्या होगी, सबसे जल्दी ठंडी होगी, यानी इसे कितना 5 मिनट लग रहा था, तो इसे 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, आई होप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका CBT 1 में। 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई बर्फ़ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, उसे पिघलने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की मात्रा चाहिए, ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट। तो आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूज़न आपको मैंने बताया 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, यानी बर्फ़ को पानी में पिघलने के लिए यानी विसरण के लिए उसे कितना ऊष्मा की, उसके अंदर से कितनी ऊष्मा बाहर आनी चाहिए, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि मतलब उस बॉडी से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम, और 540 कैलोरी पर ग्राम क्या था, पानी को वेपर में बदलने के लिए यानी वाष्पीकरण होने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया था कि 100 ग्राम को 0 डिग्री कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, 100 ग्राम का कोई बर्फ़ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, तो उसे पानी में बदलने में के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखो 80 कैलोरी पर ग्राम यानी 1 ग्राम में आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ कितना क्वेश्चन दिया हुआ 100 ग्राम, तो 100 से आप बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अब बस आप इसको यूनिट में भी कन्वर्ट कर दो, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं आपके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा।